हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि ऐसे कौन से सेफ डे होते हैं जिन दिनों में अगर हम अपने पार्टनर से कॉन्टेक्ट करें तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। इसमें जो मेन सवाल है आपका वो ये है कि लास्ट के जो दिन होते हैं पीरियड के, यानी अगर किसी महिला का 28 दिन का पीरियड है तो जो लास्ट के दिन होते हैं जिसके बाद 28 दिन के बाद एक नया पीरियड शुरू हो जाएगा, तो नए पीरियड शुरू होने से एक दो दिन पहले अगर हमारा कॉन्टेक्ट हो जाता है तो क्या वो महिला प्रेग्नेंट होगी या नहीं। इससे जुड़े हुए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज उसमें फुल डिटेल है अलग अलग दिनों के अकॉर्डिंग। वेल, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि अगर लास्ट के दिनों में आप मिलते हैं तो वो महिला प्रेग्नेंट होगी या नहीं। तो व्यूअर्स, ये है एक किसी भी लेडी का एक मंथ। मान लीजिए ये मंथ उसका 28 दिन का होता है। 28 दिन का आपने इसलिए लिया क्योंकि जनरली मोस्टली लोगों का 28 दिन का ही एक पीरियड होता है। पीरियड का मतलब या ये पहला दिन जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ और ये लास्ट दिन इसके बाद नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 28 दिन के बाद यानी 29वें दिन नया पीरियड, वो पीरियड का पहला दिन होगा। तो मान लीजिए किसी भी लेडी का ये पीरियड स्टार्ट होता है तो वेरी कॉमन कि ये किसी में 3 दिन तक रहता है, किसी में 4 दिन भी रहता है और किसी में 5 दिन भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और इसमें घट बढ़ भी सकते हैं कुछ दिन। फिर हमारा जो ओवुलेशन डे होता है यानी जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के जो दिन होते हैं वो हमारा लास्ट से हम 14वें दिन पीछे काउंट करते हैं, यानी जो भी ओवुलेशन महीना कितने भी दिन का हो, 28 का हो, 30 का हो, 35 का हो, तो आप लास्ट से 14 दिन पीछे आएंगे तो वो आपका ओवुलेशन डे होगा, यानी जहां से प्रेगनेंसी कंसीव होने के दिन शुरू हो जाते हैं। तो यहां से अगर हम 14 दिन पीछे आएंगे तो ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा दिन, तो ये हमारा मेन कंसीविंग डे, हम इसे ऑन एन एवरेज मान सकते हैं। ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये 15वां दिन भी हो सकता है, ये 13वां भी हो सकता है, ये 16वां भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम मान रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ये 14वां दिन हमारा कंसीविंग डे हो गया, तो जिसमें हमारे सेफ डे होंगे वो हमारे यहां से ये रहेंगे और इसमें जो दूसरे सेफ डे हमारे होंगे वो हमारे यहाँ से 21वें दिन से हमारे सेफ डे यहाँ तक लास्ट 28 डेज तक ये सेफ डे हमारे रहेंगे। इसके बाद जो नया पीरियड स्टार्ट होगा यानी यहाँ से फिर जो हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1, 2, 3, ये जो नया हमारा दिन शुरू हो जाएंगे यानी जहाँ से 28वें दिन के बाद जो नया पीरियड शुरू होता है यानी सेम स्थिति यहाँ जैसी, तो मान लीजिए आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट लास्ट डे में यहाँ पर किसी दिनों में होता है जो कि 28वां दिन है या 27वां दिन है या 26वां दिन है, तो ये सारे सेफ डे हैं क्योंकि ये 21वें दिन से लेकर जो 28 दिन तक का अगर मान लीजिए पीरियड है तो ये सारे आपके सेफ डे हैं। तो इन दिनों में आपका अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो दिन है यहाँ से हम 21 दिन से मान सकते हैं, 21वें दिन से लेकर 28वें दिन तक। तो अगर आपका सवाल जो है कि मान लीजिए मैंने पीरियड होने से एक दिन पहले कॉन्टैक्ट किया यानी 28वें दिन आपने कॉन्टैक्ट किया है तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो भाई नहीं होगी। अगर आपने पीरियड होने से 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया यानी 27वें दिन कॉन्टैक्ट किया है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका सवाल था कि अगर हमारा पीरियड स्टार्ट होने से एक दिन पहले कॉन्टैक्ट हुआ है तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, बिकॉज प्रेगनेंसी इन्हीं दिनों में होगी। ये जो दिन है ये सारे दिन इनमें हो सकती है। अगर किसी भी महिला का 28 दिन का पीरियड है तो इन दिनों में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप मिलेंगे तो, और ये तो पीरियड के दिन होते हैं तो छोड़ ही देते हैं, है ना, इन दिनों में तो कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो इन दिनों में अगर आप मिलते हैं तो आपको जो पार्टनर है प्रेगनेंसी उसको हो सकती है। वेल, इसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट को भी जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में HIV एड्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसे ये एक दूसरे में चला जाता है, तो इसकी जानकारी आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे होम पेज पर जाना है, होम पेज पर जाकर सीधा प्लेलिस्ट को क्लिक करना है और वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो भी आपकी चॉइस है, चाहे वो हाइड्रोसिल से रिलेटेड है, चाहे वो HIV से या फिर कलर विजन से, आपको वहां अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी, आप वहां से देख सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।